दोस्तों, डाटा एंट्री एक बहुत रोजगार परक विषय है और आप सब कुछ जानते हुए भी डाटा एंट्री से घबराते हैं, क्योंकि ये शब्द आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है। जबकि अगर आपको टाइपिंग आती है या नहीं भी आती, तब भी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं और कंप्यूटर और एक्सेल का बहुत विशेष ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ ये पता करने की कि आपको कौन कौन से कॉलम उसमें फिल करने हैं। ये वीडियो मैं डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए ही बना रहा हूँ कि अगर आप डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में तो आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए। आपको विशेष जानकार बनने की आवश्यकता नहीं है उसमें, आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स पता होने चाहिए जिससे आप जल्दी जल्दी डेटा को फीड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में, और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। और मोबाइल के लिए अगर आप टिप्स और ट्रिक्स खोज रहे हैं तो हमारे नए चैनल माय मोबाइल गाइड को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी आपको बहुत अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डेटा एंट्री एक्सेल में कैसे करते हैं, कैसे आप फास्ट तरीके से डेटा एंट्री कर सकते हैं जबकि आप हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग नहीं जानते हैं। और अगर जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक्सेल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, और सबसे पहली चीज़ ये कि आप डेटा एंट्री का ये कन्फ्यूज़न माइंड से निकाल दीजिए कि मैं कैसे करूँगा। जब आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाएंगे या कहीं भी किसी भी जगह आपको बोला जाएगा कि आपको डेटा एंट्री करनी है, तो आपको सारा डेटा वहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि अगर किसी जगह के आपको नाम पता एड्रेस फीड करने हैं तो आपको ये पता होगा कि आपको किस कॉलम में नाम लिखना है, किस कॉलम में आपको पिता का नाम लिखना है, किस में एज लिखनी है, किस में एड्रेस लिखना है। और वो जो सारा डाटा है वो आपको या तो आपको हार्ड कॉपी के रूप में मिलेगा या फिर कहीं पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको दिया जाएगा, और बस आपको उसको देखकर कंप्यूटर में टाइप करना है, या आपके पास कोई बैठा होगा जो बोलेगा और फिर उसके बोलने के हिसाब से आपको टाइप करना है। यानी आपको अपना ज़्यादा दिमाग लगाना है सिर्फ उसको एंटर करने में, ना कि आपको ये सोचना है कि भैया ये डेटा मैं लेके कहाँ से आऊँगा। आपको वो जो डेटा है वो दिया जाएगा। तो अब सीख लेते हैं एक्सेल में जाके कि इस डेटा को हम फीड कैसे करेंगे बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से, ताकि सिर्फ लोग आपको बुलाएं कि जब कहीं पर डाटा एंट्री करनी हो तो भैया इनको बुलाओ, ये कर पाएंगे तेज़ी के साथ में। ये वीडियो देखने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वीडियो मैं एक्सपर्ट्स लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिन पर डेटा एंट्री नहीं आती है या जो पहली बार एक्सेल शीट को खोल रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं और टाइपिंग जानते हैं, सोच रहे हैं डेटा एंट्री करने के बारे में। तो देखिए, ये एक्सेल शीट है और यहाँ पर आपको जो कॉलम है वो पहले से बने हुए मिलेंगे, आपको कुछ करना नहीं है नया। यहाँ पर ये जो कॉलम है इनमें आपको सिर्फ वो डेटा एंटर करना है, और कितनी आसानी के साथ में करना है ये आप इस वीडियो को देखकर सीख जाएंगे। बाद में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप और तेजी से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो देखिए, डेटा एंट्री दो तरह से होती है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो पहले ये आपको तय करना है कि आप किस क्षेत्र के डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर बनना चाहते हैं। अगर आपको ये दोनों टाइपिंग आती हैं तो आपका कोई तोड़ नहीं है, आपको हमेशा काम मिलता ही रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंग्लिश के डेटा एंट्री ऑपरेटर बनेंगे या हिंदी के बनेंगे तो दोनों भाषाओं का जो चयन है वो करना आपको मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं आपके पास इंग्लिश का काम आ गया तो आप मना कर देंगे, अगर हिंदी का आ गया तो आप कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सोचना है कि आपको दोनों भाषाओं की टाइपिंग सबसे पहले तो सीखनी है, और अगर नहीं आती है तो आप कीबोर्ड देख देख कर सकते हैं। हिंदी की टाइपिंग के लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी आप डेटा एंट्री कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना है तो आपको दोनों टाइपिंगों में पारंगत होना पड़ेगा, और पारंगत नहीं हो सकते हैं तो आपको सीखनी तो पड़ेंगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे आपको ऊपर जितने भी दिख रहे हैं ABCDEFGHI, ये सारे आपके कॉलम हैं और ये रो हैं। तो सबसे पहले वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैं आपको डेटा एंट्री हिंदी में करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले कॉलम में हम क्रम संख्या लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे नाम। आपको सिर्फ टैब प्रेस करना है और आपका अगला जो कॉलम है वो सेलेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर पिता का नाम, और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको पता, उसके बाद लिखनी है उम्र। अब ये जो सारी चीज़ें हैं देखिए, ये हमें कहीं ना कहीं से मिलेंगी, और यहाँ पर लिख देनी है जन्मतिथि। देखिए, आपको डेटा एंट्री करते समय डेट ऑफ बर्थ भी मिल सकती है, आपको बैंक अकाउंट का नंबर मिल सकता है, आपको आधार कार्ड का नंबर मिल सकता है, आपको कोई और भी जानकारी यहाँ पर फीड करनी पड़ सकती है। तो आपको सिर्फ ये सारे जो ऊपर कॉलम हैं ये सारे कॉलम आपको पहले बना लेने हैं, और उसके बाद डेटा एंट्री करना तो बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए, ये कॉलम कहीं पर बड़ा है, कहीं पर छोटा है, कहीं पर
इधर उधर जा रहा है, तो मैनुअली इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपको बीच से इसको पकड़ना है और इस तरीके से खींच देना है। जब आप बीच में कर्सर को ले जाएंगे तो देखिए ये कर्सर थोड़ा सा बदल जाएगा। इसका दूसरा तरीका मैंने और भी बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ये जो आपने नाम लिखा है इसके हिसाब से आप कॉलम को कैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। बस आपको पूरे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, कहीं पर भी जाकर डबल क्लिक कर देना है, तो आपका जो भी डेटा आपके कॉलम में लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपका कॉलम छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले जाना है क्रम वाले कॉलम में। आपको क्रम संख्या डालना बता देता हूँ, कितना आसान है। एक लिखना है, फिर दो लिखना है, और फिर दोनों को पकड़ के आपको नीचे ड्रैग कर देना है। पकड़ के जैसे आप इसको खींचेंगे ना, कहाँ से पकड़ के खींचना है, ये आपको प्लस वाला आइकन ले जाना है यहाँ पर, और यहाँ से पकड़ के इसको नीचे तक खींचना है, तो आपकी जो क्रम संख्या है वो नीचे तक अपने आप लिखती हुई चली जाएगी। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। इसके बाद आपको अगले कॉलम में लिखना है नाम रमेश कुमार, और इसके बाद लिखना है पिता का नाम राजेश कुमार, पता लिख देना है, मानिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ दिल्ली। उम्र अगले सेल में लिखनी है तो यहाँ पर लिख देते हैं 32, और यहाँ पर हम डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ यानी 5/4/1984। तो इस तरह से आप डेटा एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल डेटा एंट्री करना। इस पर अगर आपको बॉर्डर बनाना है यानी लाइन बनानी है, तो आपको इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है, नीचे तक जाना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ये बॉर्डर का ऑप्शन, यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। तो आप देखो यहाँ पे लाइंस बन जाएंगी। जब मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो इस तरह से ये सारी लाइन प्रिंट में आएंगी। तो सिंपल यही होती है डेटा एंट्री, उसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको डेटा मिलेगा और आपको उसे एंटर करना है। अब तेज़ी से कैसे करना है ये आप समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको जाना है ऑफिस बटन पर, और यहाँ पर जाना है आपको एक्सेल ऑप्शन में। इसके बाद आपको जाना है कस्टमाइज़ के बटन पर, और यहाँ पर आपको ऑल कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र रखना है कहीं पे फॉर्म लिखा है क्या। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करेंगे, F वाले सेक्शन में जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर E आ गया और F आ गया। अब आपको यहाँ पर फॉर्म शब्द को ढूंढना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर है फॉर्म। देखिए यहाँ पर फॉर्म हमें मिल गया फुटर के नीचे, और इसको हम यहाँ से ऐड करा लेंगे। ऐड कराने के बाद इसे ओके करेंगे। ओके करते ही ये जो फॉर्म है ये यहाँ ऊपर आ जाए, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने पुराना वाला डेटाबेस हटा दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं बहुत फास्ट तरीके से डेटाबेस फीड करना बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है फॉर्म पर, और इसे ओके करना है, और जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर वो सारे कॉलम दिख जाएंगे जो आपको आपकी टेबल में दिखाई देते हैं। अब आपको पहले वाले कॉलम में डालना है क्रम संख्या, दूसरे में डालना है नाम, तीसरे में आपको डालना है पिता का नाम, चौथे में डालना है पता, फिर उम्र, फिर डेट ऑफ बर्थ, और एंटर कर देना है। तो आप देखिए आपका जो डेटाबेस है फीड हो गया, और यहां पर आपके पास फॉर्म भी आ गया। चलिए एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, और एंटर कर देना है आपको। तो इस तरह से आपके जितने भी कॉलम होंगे उसमें इस फॉर्म के सहारे आपका जो सारा डेटाबेस है वो आप एक एक करके फीड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दो चार टिप्स और ट्रिक्स और सीखने हैं डेटा मैनेज करने के, तो चलिए उनको भी सीख लेते हैं। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है फंक्शन ट्रांसपोज, और इसका इस्तेमाल मैं करता हूं जब मुझे अपनी टेबल को कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है, हॉरिजेंटिकल से वर्टिकल करना होता है, और बहुत परेशानी आती है अगर आपके पास डेटा ज्यादा है, कॉलम और रॉ आपके पास ज़्यादा है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिखाता हूँ जो कि कॉलम वाइज बना हुआ है, यानी संडे मंडे ट्यूसडे आपको ऊपर कॉलम में दिखाई देंगे और जो डेट है वो नीचे लिखी हुई है। अभी अगर आपसे कहा जाए कि ये जो कैलेंडर है जो संडे मंडे ट्यूसडे है वो आप एक साइड में ले लीजिए, यानी इसको रॉ के हिसाब से बनाइए, कॉलम के हिसाब से मत बनाइए, तो आपको करने में बहुत परेशानी आएगी। लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन की सहायता से आप 2 सेकेंड में इसको कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, आपको ये पूरा कैलेंडर ऐसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और जहां भी आप इसको हॉरिजेंटिकल से वर्टिकल करना चाहते हैं वहां पर जाकर राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पर जाइए, और यहां पर आपको नीचे दिखाई देगा ट्रांसपोज फंक्शन, से एक टिक लगाइए और ओके कर दीजिए। अब आप देखिए जरा यही कैलेंडर यहाँ पर आ चुका है, और डेट भी आप मिला सकते हैं यहाँ पर, ना तो कोई आपका डेटा इधर से उधर हुआ है और जो कैलेंडर हॉरिजेंटिकल था वो वर्टिकल हो गया है। ऐसा हम और भी चीज़ों के साथ में कर सकते हैं। अब ये जो टेबल है ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से बनी हुई है, और अभी इसी टेबल को मुझे जो है वर्टिकल करना हो तो कैसे करेंगे, यानी जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस साइड में आ जाए और नंबर जो हैं वो इधर चले जाएँ, तो बस इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए,
पेस्ट स्पेशल कीजिए, ट्रांसपोज पर क्लिक कीजिए और देखिए हो गया। तो ये कितना आसान है, कितना टाइम बचा सकता है आपका, आप जो कोई भी काम करेंगे उस चीज़ में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है, आपके पास ये जो टेबल है ये और भी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें एक डेटा चाहिए हो, फिल्टर डेटा चाहिए हो, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डेटा है वो एड्रेस सभी लोगों के अलग अलग हैं, एज अलग अलग है, उनके मार्क्स अलग अलग दिए गए हैं, नाम अलग अलग दिए गए हैं, और अगर आपको ये फ़िल्टर करानी हो, आपके इसमें से कोई डेटा छांटना हो, तो उसके लिए फ़िल्टर कमांड मैं बहुत यूज़ करता हूँ। यहाँ पर सिंपल आप हेडर को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर चले जाइए और फिल्टर को सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर हेडर के पास में एक डाउन एरो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपको नीचे दिखाई देंगे ये टेक्स्ट फिल्टर हैं, यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलेगा। अब जो भी शहर आपको चाहिए, आपकी लिस्ट में जो डेटा चाहिए शहर के हिसाब से, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो आप देखेंगे वो जो डेटा है आपका फ़िल्टर होके आ जाएगा। इसी हिसाब से अगर आपको दो शहरों का डेटा चाहिए तो आप दो को सेलेक्ट कर लीजिए, तीन का चाहिए तो आप तीन को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप फिल्टर कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप दो, तीन, चार या पाँच कितने भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एज फिल्टर को भी यूज़ करें, यानी हमें जो छः शहर हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से केवल 17 साल वाले लोग हमें चाहिए, तो यहाँ से क्लिक कीजिए और इसे ओके कर लीजिए। अगर यहाँ से आपको 17 और 28 साल वाले लोग चाहिए तो यहाँ से क्लिक कीजिए और इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं अपने सारे डेटा को फिल्टर करने के लिए। यहाँ से अगर आप सभी को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पूरा डेटा जोंका त्यों आपके सामने वापस आ जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब उनको अलग अलग डेटा चाहिए होता है तो बीच में से कहीं से उठाकर कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके जो काम है उसको बहुत आसान बना सकता है। फिल्टर के बारे में मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, तो अगर आप एक्सेल की जो पूरी सीरीज़ है वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियो हैं एक्सेल के उन सभी का लिंक दिया गया है, पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे करते हैं। अक्सर करके जब हम बहुत लंबा चौड़ा डेटाबेस बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगह जो डेटा है वो डुप्लीकेट भी टाइप हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर 10 नाम हैं लेकिन दो एंट्री ऐसी हैं जो पूरी तरह से डुप्लीकेट हैं, और जो तीन नाम हैं वो तीन जगह लिखे गए हैं। जैसे आप यहाँ पर राम देख रहे हैं, राम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, सिंपल आपको ये टेबल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट का, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा जिसमें यहाँ पर एक टिक होगा जिसमें लिखा होगा माई डाटा हैज हेडर। इस पर अगर आप टिक नहीं लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाले जो नाम है ना ये दिखाई नहीं देंगे। जैसे मैं आपको टिक हटा के दिखा देता हूँ, तो जैसे मैंने टिक हटाई तो आप देखेंगे कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम सी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और अगर आपके कॉलम इससे भी ज़्यादा हुए ना तो ये आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर टिक लगा लीजिए ताकि आपको डुप्लीकेट रिमूव करने में आसानी हो। तो यहाँ पर अगर आप तीनों पर टिक लगे रहने देंगे तो ये कोई डुप्लीकेट मानेगा ही नहीं किसी वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर है ये सभी का अलग अलग है, और जब आप तीनों पे टिक लगा रहने देंगे तो ये सीरियल नंबर को भी आपके डेटा की एंट्री में काउंट करेगा। तो हम सीरियल नंबर से टिक हटा देते हैं और बाकी अब ये जो दोनों मैच करेगा ये इन दोनों कॉलम को मैच करेगा। अब यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो होगा क्या, जो आपकी सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू होगी, जो 9 नंबर वाली वैल्यू थी ये देखिए यहाँ पर, वो हट गई है और बाकी सारे जो आपके रिजल्ट हैं वो रह गए हैं। अब देखिए एक चीज़ और हम करके देखते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से रिमूव डुप्लीकेट पर जाते हैं और यहाँ पर हम ये जो सब्जेक्ट नेम है ना इसको यहाँ से हटा देते हैं और सीरियल नंबर को भी हटा देते हैं। अब ये जो काउंट करेगा, ये डुप्लीकेट जो मैच कराएगा वो कराएगा केवल स्टूडेंट नेम में। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम जो डुप्लीकेट हैं वो कितने हैं, तीन हैं, एक राम यहाँ पर है, एक राम यहाँ पर है और एक राम यहाँ पर है। अब देखिए क्या होता है, इस पर क्लिक करते ही एक राम रह गया, बाकी तीनों हट गए। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको डुप्लीकेट रिमूव कराना है तो पहली चीज़ तो सीरियल नंबर को आपको छोड़ देना है, बाकी जो आपके सारे सेल हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दिमाग में ये सोचिए कि आपको डुप्लीकेट एंट्री हटानी कौन सी है। आपको कोई नाम हटाना है या सेल हटाना है या किस में चेक कराना है, तो जो भी कॉलम आपको चेक कराना हो उस कॉलम पे टिक लगी रहने दीजिए और बाकी को हटा दीजिए। अब जैसे ये दोनों कॉलम मैच कराने हैं तो इन दोनों कॉलम पे टिक लगा रहने दीजिए और बाकी को यहाँ से हटा दीजिए। तो एक बार फिर से करके देखते हैं, क्लिक किया और जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो डिलीट हो गई। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत यूज़फुल चीज़ बताने वाला हूँ जिससे आप ऑटोमेटिक
डेटा को एंट्री कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है जब हमें डुप्लीकेट डेटा एंटर करना पड़ता है, बार बार टाइप करना पड़ता है, यानी यहाँ पर एड्रेस है और एड्रेस में मेरे पास ये 5 शहर हैं। अब यहाँ पर जितना भी डेटा आएगा वो इन्हीं 5 शहरों का आएगा और ये शहर मुझे बार बार टाइप करने पड़ेंगे। इससे बचने का जो तरीका है वो बहुत आसान है कि आपको ये जो सारे शहर हैं वो बार बार टाइप नहीं करने पड़ेंगे। सिंपल, ये जो एड्रेस वाला पूरा कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाइए डेटा टैब पर और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर जाइए और यहाँ पर आपको सेटिंग्स में लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट में सोर्स में आपके पास जो भी शहर आपने टाइप किए हों, 5, ये 5 मेरे पास हैं, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इसे ओके कर दिया। तो आप देखेंगे हर सेल पर एक ये डाउन एरो आ गया। अब यहाँ पर मुझे, चलिए मुंबई लेना है, यहाँ पर मुझे इंदौर लेना है, यहाँ पर मुझे भोपाल लेना है। ये देखिए हर सेल के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन हैं और जो भी ऑप्शन मैं फिल करता जाऊँगा वो बड़े आराम से यहाँ पर मैं उनको एंट्री करता जाऊँगा। तो मुझे टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, 5ों में से मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर ले सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सिटी ही फीड कर सकते हैं, बहुत सारी जगह देखिए हमको मेल फीमेल फीड करने की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी जगह हमें एज फीड करने की भी ज़रूरत होती है, बहुत सारी जगह हमें डेजिग्नेशन डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट को आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल दीजिए, उससे आपका जो डेटा एंट्री है वो बहुत ईजी हो जाएगी, जिससे आप आसानी से काम कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक डेटाबेस है जो मैंने इंडिया की टॉप 5 सिटीज़ का लिया है और ये डेटाबेस मेरे पास कुछ इस तरह से है। अब ये डेटाबेस मुझे एक्सेल में ले जाना है और हर कॉलम में इसको सेट करना है। तो ये बहुत सारे लोगों के पास आता है इस तरह का डेटाबेस और इसको करने में उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये करने का जो तरीका है वो बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। बस इसे कॉपी कीजिए और एक्सेल के किसी भी सेल में ले जाके इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गया है, लेकिन ये अभी सेट नहीं है। इसको सेट कैसे करते हैं, तो आपको करना क्या है, इसको करने का तरीका बहुत आसान है। आपको पहला वाला जो कॉलम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, जाना है आपको डाटा टैब पर और यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट के बाद में जो भी आपको डिवाइडेशन चाहिए उसमें आपको यहाँ पर फिल करना है कॉमा, क्योंकि आप देख रहे हैं हर नाम के पीछे, हर शब्द के पीछे यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। तो हम इसको यहाँ से कॉमा पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको इसे फिर से नेक्स्ट करना है। इसके बाद में आप देखेंगे सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हो गई हैं और यहाँ से बस इसको फिनिश कर देना है। तो अभी आपसे कहेगा डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द कॉन्टेंट ऑफ डेस्टिनेशन सेल, आप इसे ओके कर दीजिए। तो आप देखिए जो आपका पूरा डेटाबेस है वो एकदम फिट हो गया है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास एक छोटी सी टेबल है और इसमें कुछ सेल बीच बीच में खाली रह गए हैं जिसमें डेटा एंटर नहीं किया गया है। और अब इन सेल्स को कैसे रिमूव किया जाए, जो ब्लैंक रह गए हैं कैसे रिमूव किया जाए, आमतौर पर आप राइट क्लिक करते हैं, उसको डिलीट करते हैं। लेकिन अगर इनकी संख्या 100 या 200 हो तो आप एक एक करके इनको डिलीट नहीं कर सकते हैं, काम बहुत लंबा हो जाता है। एक बार में इनको कैसे डिलीट किया जाता है वो हमको दिखाता हूँ, थोड़े से मैं और बढ़ा लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, देखिए मैं नीचे तक इसको ले आया। अब ये एक बार में जो जितने भी मेरे ब्लैंक सेल्स हैं उनको मैं कैसे डिलीट करूँगा, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये गो टू वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर जाना है आपको स्पेशल पर और जैसे आप स्पेशल पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स का, इस पर टिक लगाइए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे जितने भी आपके ब्लैंक सेल हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। बस अब आपको कंट्रोल के साथ में माइनस बटन को प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शिफ्ट सेल अप का, इस पर टिक लगाइए और ओके कर दीजिए। तो आपके जितने भी ब्लैंक सेल होंगे वो साथ में डिलीट भी हो जाएंगे और आपका डेटा व्यवस्थित भी हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है आशा करता हूँ आपके बहुत काम आएगी। इसके बाद बात करता हूँ अपनी लास्ट फाइनल और बोनस ट्रिक की। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है और उसका जो क्रम है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित है। तो अगर व्यवस्थित की बात करूँ तो यहाँ पर क्रम के आगे नंबर आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर नाम आना चाहिए, फिर पिता का नाम आना चाहिए और राज्य का नाम आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर इसे क्रम से आप मैनुअली लगाएंगे तो ऐसे कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, फिर नीचे वाले को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे व्यवस्थित तरीके से नहीं लगा सकते हैं। अगर ट्रांसपोज भी करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है इसका। हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल किया और ट्रांसपोज किया और ये देखिए कुछ इस तरीके से फैल जाएगा पूरा डेटाबेस। अब इसको आपको अगर ठीक से लगाना है तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आपको अपनानी होगी। तो आपको इसको व्यवस्थित करने का जो बहुत शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी दो रैंडम आपको वर्ड लेने हैं, तो यहाँ पर मैं QR ले लेता हूँ, QR मैंने यहाँ पर ले लिया।
अब यहाँ पर आपको जो सीरीज बनानी है, जो आपका हेडर है उसको देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो ये चार आपके जो पहले सेल हैं वो आपके हेडर बनेंगे, जो जिसमें कि A1, A2, A3 और A4 है। तो सबसे पहले A1 लिख दीजिए और इसको पकड़ के यहाँ तक ड्रैग करेंगे आप जैसे, तो यहाँ पर आप देखिए A4 तक ये अपने आप आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दोबारा से QR लिखिए और A1 की जगह यहाँ पर कर दीजिए A5 और इसको भी पकड़ के यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। तो हमने ये जो दो सेल हैं यहाँ तक के ये ले लिए A8 तक। अब यहाँ पर आपका जो डेटा है वो नीचे देखिए कौन से सेल तक है, A24 तक है। अब ये जो नंबर है ये सीरीज जो है वो आपको आगे बढ़ानी है, इसको A24 तक हम ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए A24 तक हमारे जो सारे नंबर हैं वो आ गए। ये बहुत बड़ा डेटा हो तब आपको करना है, छोटे डेटा को तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब बहुत सिंपल तरकीब मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको ये सारे सेल सेलेक्ट करने हैं, कंट्रोल F प्रेस करना है, रिप्लेस पर जाना है और यहाँ लिख देना है QR। रिप्लेस विद में सिंपल आपको इक्वल टू का आइकन लगाना है और रिप्लेस ऑल। ये देखिए एक सेकंड में आपका जो सारा डेटाबेस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैनेज हो गया। अब आप कहीं भी कोई भी एक नाम बदलते हैं तो जैसे यहाँ पर अमित की जगह अगर मुझे कोई और नाम लिखना हो, मान लीजिए मुझे लिखना है माधव, तो ये देखिए साथ में आपका वहाँ जो नाम है वो भी बदल जाएगा, नंबर दो पर भी माधव है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटाबेस को अगर आपका इस तरह से अव्यवस्थित हो आप बड़ी आसानी से उसे व्यवस्थित कर सकते हैं। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।